खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां नए बजट पर मंत्री स्तरीय चर्चा आज से होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर मंत्री से खासी चर्चा करेंगे, विभागवार योजनाओं पर बातचीत होगी और भारी भरकम खर्च वाली नई योजनाओं की उम्मीद कम जताई जा रही है। अगले वित्तीय बजट की तैयारियों में जुटी हुई है राज्य सरकार। पहले दिन वन मंत्री अकबर के विभागों के बजट प्रस्तावों पर राय मशवरा किया जाएगा। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां विभागवार योजनाओं पर खासी बातचीत करेगी सरकार, यानी छत्तीसगढ़ राज्य वित्तीय बजट की तैयारी में जुटी हुई है और नए बजट पर मंत्री स्तरीय चर्चा आज से होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर मंत्री से खासी चर्चा करेंगे और विभागवार योजनाओं पर बातचीत करने के बाद में इस बजट को तैयार किया जाएगा। यानी अब राज्य स्तरीय जो वित्तीय बजट है उसकी तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार लगी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ा सा बताया शिवम मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवम, राज्य सरकार वित्तीय बजट की तैयारियों में लगी हुई है, किस तरीके से तैयारी चल रही है और मंत्रियों से खासी क्या चर्चा किस तरीके से चर्चा की जाएगी? जी देखिए कि वित्तीय बजट जो 2020-21 आने वाला है, इसकी तैयारी पूरी जोरों पर है और सरकार ने कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी है इस बजट की तैयारी करने के लिए। आज से नए बजट पर मंत्री स्तर पर चर्चा भी की जाएगी और विभागीय मंत्रियों से, उनके संबंध के विभागों से उनसे चर्चा की जाएगी कि आने वाली योजनाओं को लेकर किस प्रकार का बजट बनाया जाए और आगे क्या रणनीति तय की जाए। भारी भरकम खर्च वाली नई योजनाओं की भी उम्मीद कम है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर मंत्री से हर विभाग की योजनाओं पर बात करेंगे। साथ ही कहा जाए कि इस पर जो तैयारी होने वाली है इसके लिए भी पूरी राय मशविरा की जाएगी। बजट तैयार करने से पहले सरकार ने अपनी तरफ से क्या उम्मीद की है इस बजट से? देखिए, बजट तैयार करने से पहले तो सरकार ने भी कहीं ना कहीं उम्मीद की है कि बढ़िया बजट आएगा। इसके साथ ही सरकार जो एक काम कर रही है कि आम लोगों को साथ लेकर चलने का जो काम कर रही है प्रयास, ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रात ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट करके आम जनता से भी बजट के लिए राय मांगी है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है कि आम लोगों को भी इस प्रकार की अच्छा संकेत मिल रहा है कि हम भी सरकार के भागीदारी हैं और इसी प्रकार से योजनाएं तैयार की जाती। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिवम। मध्य प्रदेश में